दोस्तों, प्रेषित है मॉडल पेपर भौतिक विज्ञान 2019 का अगला वीडियो लेक्चर, भाग दो वीडियो लेक्चर। और इस वीडियो लेक्चर में अति लघु त्रि प्रश्नों को हम हल करेंगे, और ये प्रारंभ होते हैं प्रश्न संख्या दो का से। पहला क्वेश्चन है, गतिशील आवेश से कौन कौन से क्षेत्र उत्पन्न होते हैं? इसका उत्तर, तो जैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने पढ़ा कि स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और जो आपने मैग्नेटिज्म में पढ़ा कि गतिशील आवेश जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। यहाँ पर गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और गतिशील आवेश चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। तो गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों प्रकार के दोनों प्रकार के क्षेत्रों को उत्पन्न करता है। सो अ मूविंग चार्ज इज गोइंग टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। तो गाइस, अगला बहुविकल्पी सॉरी अगला जो है अति लघु त्रि प्रश्न, ये दो का खंड का, म्यू जीरो इंटू एप्सिलॉन जीरो रेज टू पावर हाफ क्या प्रदर्शित करता है? रेज टू पावर माइनस हाफ क्या प्रदर्शित करता है? इसका मात्रक भी लिखिए। हम जानते हैं कि ये म्यू जीरो इंटू एप्सिलॉन जीरो रेज टू पावर माइनस हाफ दैट इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट म्यू जीरो इंटू एप्सिलॉन जीरो। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, ये ऐसे हल किया जा सकता है, अंडर रूट म्यू जीरो अपॉन 4 पाई यहां पर किया जा सकता है, और ये 4 पाई एप्सिलॉन जीरो लिखा जा सकता है। अब 1/2 अंडर रूट, इसकी वैल्यू 10^-7 हुई, और इसकी वैल्यू 1/9 इंटू 10^-9 1/2 में, सो दैट कम्स आउट 1/9 का स्क्वायर रूट ये ऊपर जाएगा, सो स्क्वायर रूट ऑफ 9 रहेगा, और नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 10^-16 ये 3, और दैट इज ये स्क्वायर रूट 10^-8 हुआ ऊपर जाने पर 10^8। सो दैट क्वांटिटी दिस इज इक्वल टू 3 × 10^8। इन केस अगर इनके इसका यूनिट लिया जाए, इसका यूनिट और इसका यूनिट, सो एक्चुअल में इट्स यूनिट, इसका जो मात्रक है, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड है, मीटर प्रति सेकंड होगा, और एक्चुअल में इट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये प्रकाश की चाल है। सो सी इक्वल टू ये होता है 1/ अंडर रूट म्यू जीरो इंटू एप्सिलॉन जीरो विच इज इक्वल टू 3 × 10^8 मीटर पर सेकेंड। सो ये मीटर पर सेकेंड इसका मात्रक होगा। दोस्तों, अति लघु त्रि प्रश्नों में दूसरे का खंड गा इस प्रकार से है, लॉरेंज बल किसे कहते हैं?
सो व्हाट इज लॉरेंज फोर्स? हम लोग जानते हैं कि गतिमान आवेश आवेशित कण जब चुंबकीय क्षेत्र से होकर के गुजरता है तो उस पर एक बल लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। ठीक, तो चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले बल को लॉरेंज बल, लॉरेंज बल कहते हैं, और इसका परिमाण होता है क्यू वी बी साइन थीटा। और जहां ये थीटा जो होता है वो धन आवेश के कण के वेग की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र के वेग की दिशा के बीच बनने वाला कोण होता है। अर्थात यदि धन आवेशित कण ये प्लस क्यू आवेश वी वेग से इस दिशा में जा रहा है और चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर इस दिशा में है, इनके बीच का कोण थीटा है, तो एफ का परिमाण इतना होता है। या लॉरेंज बल को अगर सदिश रूप में लिखें सो ये होता है क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 का खंड घ। उस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए जिसके लिए ध्रुवण कोण 60 डिग्री हो। सो इसका उत्तर, हम लोग जानते हैं कि ऐसा आपतन कोण जिस पर ध्रुवण की क्रिया होती है जब प्रकाश किरण जो है ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो ऐसी स्थिति में एक विशेष कोण पर किसी जो है अपवर्तक पृष्ठ पर किसी विशेष कोण आपतन कोण पर जिस पर ध्रुवण क्रिया सबसे अधिक होती है उसे हम लोग ध्रुवण कोण कहते हैं। और उस सघन माध्यम के अपवर्तनांक और ध्रुवण कोण में ये संबंध होता है म्यू बराबर होता है टेन ऑफ आईपी, जहां आईपी ध्रुवण कोण है। सो यहाँ पर म्यू आपको ज्ञात करना है, सो दैट इज इक्वल टू टेन ऑफ 60 डिग्री, ठीक, एंड विच इज इक्वल टू √3, एंड √3 इट्स वैल्यू इज 1.732। सो म्यू इज इक्वल टू 1.732। तो उस माध्यम का अपवर्तनांक 1.732 होगा। अतः माध्यम का अपवर्तनांक 1.732 है। सो दोस्तों, अगला अति लघु उत्तरी प्रश्न है, एनवी कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होगा? सो नील्स बोर के परमाणु मॉडल में परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या करने के लिए नील्स बोर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमने के लिए, या केवल वे ही कक्षाएं संभव होती हैं जिस कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का समाकल गुणक हो। सो इस कथनानुसार nवीं कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग अर्थात m×v×r ये मल्टी समाकल गुणक होना चाहिए, एन वा गुणक होना चाहिए n×h/2π।
अर्थात एच अपॉन टू पाई का एन मल्टीपल होगा। यहाँ पर एन एक पूर्ण संख्या है अर्थात एनवी कक्षा के लिए कोणीय संवेग होगा एन एच अपॉन टू पाई। एम वी इंटू आर ये कोणीय संवेग होता है, रेखीय संवेग के आघूर्ण को कोणीय संवेग कहते हैं। दोस्तों अगला अति लघु उत्तरी प्रश्न है, लेसर का पूरा नाम लिखिए। ठीक, सो लेसर ये एल ए एस ई आर होता है लेसर, और इसका पूरा नाम है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टीमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, और हिंदी में इसको कहते हैं विकिरण के उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा, विकिरण के उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन, विकिरण के उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ लेसर।